Hello everyone, welcome to my YouTube channel Sadhna Art Education, myself Somnath Palicha. आज हम सीखेंगे कैबेज मेकिंग. तो जैसे कि आप लोग सबसे पहला स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैबेज बनाने के लिए हम लोगों को पहला स्फेरिकल स्ट्रक्चर बेसिक ड्रॉ कर लेना होगा एंड देन हम लोग लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को स्केच करना स्टार्ट करेंगे. तो जैसे कि आप लोग अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, मैंने यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया है. कुछ ऐसे दिखाएंगे कि सेंटर में हमारा कैबेज का जो सर्कुलर फॉर्म रहेगा वो अपीयर करेगा और बाहर से जो उनके फ्री लीव्स होते हैं उसको दिखाएंगे, ठीक है. और ये सेंटर के पोर्शन को मैंने, जैसे हमारे लीफ में मार्जिन्स होते हैं, इसके अलावा जो वेन्स होते हैं, मिडरिब्स होती है, ओके, जो पत्ते जैसे अपीयर करते हैं वो मैंने यहाँ पर बना के दिया है, ठीक है. जैसे कि आप लोग स्केच में देख पा रहे हो, आप लोगों को भी कुछ इसी तरीके से स्केचिंग आनी चाहिए, ठीक है. पेंसिल जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो है 0.5 mm की पेंसिल, ठीक है. तो मेरा जो ड्राइंग है वो रेडी हो चुका है और ये कुछ एक्रेलिक कलर से जो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है. तो सबसे पहले डार्क ग्रीन कलर यूज़ कर लेंगे एक्रेलिक में से. लेकिन बिफोर गोइंग टू द डार्क ग्रीन, आप एक काम करिए, जो सैप ग्रीन है उसको हल्का डार्क ग्रीन, मतलब डीप ग्रीन कह सकते हो एक्रेलिक का, ओके. और हल्का सा ब्लैक कलर आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैं यहाँ पे डार्क कलरिंग के लिए सबसे पहला जो कलर सेलेक्ट किया है ये मैंने बनाया है, ओके. तो तीन कलर यूज़ किए हैं, सैप ग्रीन, डीप ग्रीन एंड यू कैन से ब्लैक. और अभी के लिए मैं सैप ग्रीन और येल्लो कलर को ब्लेंड करके डायरेक्टली कलर अप्लाई कर रहा हूँ, ओके. एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लेंड करके ले रहा हूँ मैं अपने पहले डार्क टोन के साथ, ओके. नाउ जस्ट कीप ऑन डूइंग दिस. और अभी मैंने येल्लो की कंसिस्टेंसी सैप ग्रीन के अंदर बढ़ा दी है. जैसे कि आप लोग देख रहे हो, लाइट ग्रीन बनाना है मुझे और काफ़ी ज़्यादा लाइट रखूँगा मैं. कोशिश ये रहेगी कि कुछ ऊपर भी रखें लाइट ग्रीन को और कुछ कंसिस्टेंसी साइड में भी रखें, ओके. तो देखो और सीखो इस बात को, हो सके तो रेफरेंस के लिए एक ओरिजिनल कैबेज आपके सामने लेके रखिए, उसको स्टडी करिए, देखो लीफ कैसे दिखते हैं, कैसे अपेयर करते हैं और फिर आप उसमें ये भी चेक करो कि कलर्स क्या क्या दिखते हैं. नाउ एज यू कैन सी हियर, मैंने क्या किया है, जो सैप ग्रीन और येल्लो कलर लिया था अब उसी के अंदर मैंने यहाँ पे वाइट की कंसिस्टेंसी बढ़ा दी है, ओके. और मैंने सेंटर पोर्शन जो है वो मैंने एक बेस कोट कर दिया है, ओके. साइमल्टेनियसली ब्लेंडिंग ज़रूरी है. आप देख सकते हो बीच में स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो है वो रेडी हो चुका है और बाकी का जो बचा है वो आउटलाइन एरिया है, ओके. साथ साथ में हल्का सा येल्लो का जो है ना ब्रशअप वो भी करते रहना काफ़ी ज़रूरी है यहाँ पे, ओके. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वेरी क्लियरली, ये जो है अभी हम लोगों ने खाली बेस कोट किया है, ओके. बेसिक कलरिंग की है. अभी जो डार्क एरिया है उसको मैं अपने बेस कोट के साथ मर्ज करने के लिए सोच रहा हूँ, ओके. मतलब ब्लेंडिंग के बारे में सोच रहा हूँ और ये ज़रूरी भी है, सो डैट कौन सा शेडो एरिया है, कौन सा हाईलाइटेड एरिया है, कौन सा डिप्रेस्ड मतलब डीप एरिया है, कौन सा उठा हुआ एरिया है, ओके. ये सारी बातों को हमको ध्यान में रखना है, ओके. तो अभी वाइट कलर लिया है मैंने, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. अच्छे से रेडी कर लीजिए पानी के साथ. और जो एकदम लाइट कलर जो हम लोगों ने किया था सेंटर में स्फेरिकल में, उसी कलर में वाइट की कंसिस्टेंसी बढ़ा दीजिए, ओके. और आपको यहाँ पे लीफ के मार्किंग्स जो होते हैं वो करने हैं. ब्रश आप लोग 0 नंबर का यूज़ करिए यहाँ पे, बेस्ट रहेगा अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो. नहीं तो अगर आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप 2 नंबर के ब्रश से भी काम कर सकते हो, ठीक है. तो देखो यहाँ पे एक पहला मिडल लाइन बना लीजिए और उसके बाद साइड ब्रांचिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है. आपको तो पता है कि ये बात कैसे की जाती है, मतलब ये जो अभी आउटलाइन आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो हो रहा है वाइट कलर से जो काम हो रहा है, आपको तो ये काफ़ी अच्छे से डिटेलिंग पता होगी, ठीक है. हम लोग नॉर्मली ट्रीज यही सारे पैटर्न्स के थ्रू बनाते हैं, ओके. वॉच द कंप्लीट वीडियो, अंडरस्टैंड द वीडियो
ओके, सिंपल फॉर्मेट रखा है, ज़्यादा डिटेल लेके नहीं गया हूँ। इतना भी अगर आप लोगों ने कर लिया, सीख लिया, तो बाकी का बस प्रैक्टिस है, आराम से आप लोग कर लोगे, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं बीच में अपना मेन कैबेज का जोन रखूँगा और बाकी साइड के लीफ जो ओपन अप होते हैं वो दिखाने की कोशिश की। ओके, तो मेजॉरिटी जो लाइंस है वो मैंने यहाँ पे बनाई है सेंटर में। नाउ डायरेक्टली पानी का यूज़ न करते हुए डायरेक्टली कलर को लेना है, लेकिन पानी नहीं लेना है आप लोगों को, और सीधा सीधा डार्क एरिया से अंदर के तरफ डीप ग्रीन को ब्लेंड करना है। लेकिन देखिए आप, यहाँ पे पानी नहीं है ब्रश में, डायरेक्ट कलर है। ओके, और थोड़ा सा कहते हैं ना फेंट टाइप कलर करना है आपको। ओके, आप लोग खुद अंडरस्टैंडिंग कर रहे रहेंगे कि ये टेक्निक कैसी है। एंड सिंस आई एम यूजिंग द एक्रेलिक कलर्स, ये काफ़ी इजीली हो जाती है। पोस्टर कलर्स पे ये टेक्निक नहीं यूज़ की जाती, पोस्टर कलर का वर्क डिफरेंट होता है, ठीक है। सेम थिंग आप लोग मार्जिन जो आप लोगों ने की थी उसके बीच बीच में भी लाइट ग्रीन की इंटेंसिटी बढ़ाइए, थोड़ा सा डार्क अपीयर होना चाहिए। ओके, देन ओनली यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द दोज मार्जिन्स एंड द बैक साइड ऑफ दैट मार्जिन। ओके, ये बहुत ज़रूरी है स्टेप, आप लोग इसको ठीक तरीके से देखो और एनालाइज करो। मैंने कोशिश ये की है कि मैं बॉर्डर पेरीफेरी जो है वो डार्क रखूँ, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि मेरा जो सेंटर कैबेज है वो एकदम निखर के आना चाहिए, है कि नहीं, इसलिए मैंने वो टेक्निक वहाँ पे रखी है। नॉर्मली कैबेज जो है वो काफ़ी फ्रेश होते हैं, काफ़ी फ्रेश ग्रीन लेना ही सबको पसंद है, राइट। अगर आप लोगों को एक बात बताओ तो आप लोग एक और बात मतलब इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ये भी जानिए कि अगर आपको कैबेज खाना ही है, अगर आप लोगों को कैबेज पसंद भी है, तो आप लोगों को कौन सा कैबेज सेलेक्ट करना चाहिए जो काफ़ी ग्रीन दिखता है, डार्क ग्रीन दिखता है। ओके, ऐसे कैबेजेस आप खरीदिए और उसको खाइए, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, फाइन। क्योंकि जो नॉर्मली आप कैबेजेस अगर आप मार्केट में देखते रहोगे वो काफ़ी वाइट होते हैं, काफ़ी एकदम पेल ग्रीन कलर के होते हैं, तो ऐसे कैबेज की जो ना न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी कुछ खास नहीं होती। ओके, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो, तो बेटर यू गो फॉर द फ्रेश ग्रीन कैबेज। ओके, जो कि मार्केट में मिल जाएंगे, आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखो, समझ जाओगे। ओके, जितना ज़्यादा ग्रीन रहेगा, फ्रेश ग्रीन रहेगा, उतना अच्छा रहता है न्यूट्रिशनल वैल्यू। ओके, आते हैं ड्राइंग की तरफ। आप लोग देखो मैंने कैसे डिफरेंशिएट किया है। देखो, बाहर के जो लीव्स है उनको मैंने डार्क रखने की कोशिश की है। ओके, डार्क इसलिए क्योंकि उनके ऊपर मैं येलो कलर से हाईलाइट भी ऐड करूँगा, और उन्हीं के ऊपर जैसे मैंने यहाँ पे वाइट कलर से वेंस बनाए थे, सेम टेक्निक यूज़ करके मैं अपने बाहर के लीव्स पे भी वो वेंस को ड्रॉ करूँगा। तब आप इजीली समझ जाओगे कि कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। बीच बीच में मैंने हाईलाइटेड एरिया रखा है, हाईलाइटेड एरिया दिखाने के लिए मैंने येलो कलर यूज़ किया है। आप लोग बोल सकते हो लेमन येलो कलर यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, ठीक है। मैं पानी बहुत कम यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोग मेरे ब्रश को खुद नोटिस कर पा रहे रहेंगे, है कि नहीं। एकदम ड्राई फॉर्मेट में ब्रश यूज़ करिए, क्योंकि हाईलाइटेड एरिया करने के लिए आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस हल्का सा कलर और थोड़ा सा प्रेशर डाल दीजिए, काम हो जाएगा आपका। ओके, नाउ सी दैट अगेन द येलो पार्ट हैज़ बीन ब्लेंडेड, हैज़ बीन मिक्स्ड विद द वाइट कलर। ओके, काफ़ी लाइट येलो बनाया है। अगेन द सेम थिंग, आप येलो कलर से मार्जिन्स बनाना चालू कर दीजिए, वेंस बनाना चालू कर दीजिए, ठीक है, ब्रांचिंग पैटर्न में रखते जाइए। काफ़ी इजी है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, आप लोग बड़े आराम से इसको सीख लोगे। ओके, देखो लीफ जैसे अपीयर कर रहा है, डैट इज़ व्हाट द स्पेशलिटी ऑफ दिस ड्राइंग। ओके, यस, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। एलिमेंट्री इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ओके, बाकी की भी प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है, आप देख सकते हो। स्टिल लाइफ के रिस्पेक्ट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ओके, सीखो उसको, फॉलो करो हमारे आर्ट चैनल को। हमारे क्या बोल रहा हूँ मैं, तो ये आप ही का आर्ट चैनल है, ठीक है, क्योंकि आप इसके ऊपर चीज़ें सीखते हो और आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज यहाँ से गेन होता है, है कि नहीं।
अगर आपको स्टिल लाइफ ड्राइंग में और कुछ सीखना होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट्स देखता हूँ, पढ़ता हूँ, ठीक है। जो भी डिमांड होगा आप लोगों का फुलफिल किया जाएगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके। वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे आप एक बात नोटिस की रहेगी, जो मैंने येलो कलर बनाया था बाहर के मार्जिन्स के लिए, लेकिन मैंने वही सेम कलर यहाँ पे अपने कैबेज के सेंटर पोर्शन के ऊपर, जहाँ पे मैंने वाइट मार्जिन्स बनाए थे या फिर वाइट कलर के वेंस बनाए थे, उन्हीं के ऊपर फिर से किया है, क्योंकि ये एक अलग तरीके का फिनिशिंग वर्क होता है। ओके, एज यूजुअल मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि ये मैंने जितना ईजी करने की कोशिश की है, ओके, इसके पीछे रीज़न यही है कि आप लोग ईजी टेक्निक से भी अच्छा ड्राइंग कर सकें, ठीक है। जस्ट फॉलो द टेक्निक्स, बड़ा इजी है। राइट, अभी ये तो बड़ी कैबेज है, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया था। यहाँ पे कह सकते हो कि हाफ एन आवर का तो टाइम मुझे गया है करने के लिए, लेकिन आप लोगों को ये इंटरमीडिएट में रखा रहेगा तो आप लोगों को इसको कम से कम कह सकते हो 7 to 8 minutes में आप लोगों को इसका कलरिंग ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। देखो अभी मैंने क्या किया है, जो डीप ग्रीन होता है ना, बहुत लाइटली, मतलब बिना पानी का यूज़, ओके, जो डीप ग्रीन होता है वो मैंने बीच बीच में किया है कि नहीं। देखो कितना अच्छा अपीयरेंस आ रहा है, काफ़ी ग्रीन कलर का कैबेज दिख रहा है, ओके, काफ़ी फ्रेश ग्रीन लग रहा है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लुक आ चुका है, यस और नो, ठीक है। अभी अगेन वाइट कलर, मैंने कहा था ये ड्राइंग इजी है, अभी मैं खाली फाइनल टचअप दे रहा हूँ, ओके, फिनिशिंग वर्क। आप चाहिए तो ये स्टेप इग्नोर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका वैसे कैबेज जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ये जो वाइट बीच बीच में डाल रहा हूँ, इसको लेके शॉक मत हो जाना, दिस इज जस्ट एन हाईलाइटेड एरियाज, ओके, जहाँ पे कहते हैं ना एकदम लाइट जो अपीयर करती है, लाइट एरिया, हाईलाइटेड एरिया, वो दिखाने की कोशिश की है। और यहाँ पे नीचे थोड़ा सा डार्क जोन इसलिए किया है ताकि मैं डिफ्रेंशिएट कर सकूँ चीज़ों के बीच में, ओके। हल्की सी मैं बॉर्डर दे रहा हूँ डार्क कलर से ही, डार्क कलर कैसे किया है तो ग्रीन में हल्का सा ब्राउन मिक्स कर दीजिए, एक्रेलिक ब्राउन, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और काफ़ी फेंट बॉर्डर रखना, एकदम डिटेल में स्केचिंग किया जैसा नहीं लगना चाहिए, ओके, ये बात आपको ध्यान में रखना है। डोंट शो दैट कि हमने स्केचिंग किया करके, स्टिल लाइफ में वो पार्ट नहीं होती, ओके, आपको ध्यान रखना है कि स्टिल लाइफ मीन्स हम लोग रियलिस्टिक ड्राइंग करने की कोशिश करते हैं स्टिल लाइफ को, ओके। इसमें आपका ऑब्जर्वेशन जो होता है ना वो नोटिस किया जाता है कि आप कितने लेवल तक देखते हो और कितने लेवल तक अपने ड्राइंग को मैचअप करने के बारे में देखते हो, ओके, रियलिटी के साथ। सो दिस इज व्हाट द स्टिल लाइफ मीन्स, ओके। और आप अपना थोड़ा सा जान डाल दीजिए ड्राइंग में, थोड़ा सा डेडिकेशन दीजिए, पेशेंस रखिए, हो जाएगा, बहुत सिंपल है, ओके। दैट्स इट, आई थिंक द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड ओवर हियर नाउ, ओके। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा डिटेलिंग की अभी और जरूरत है, ओके। समझ में तो आ ही गया होगा आपको, डू वॉच द कम्प्लीट वीडियो। यहाँ पे मैंने एक और शेडो इफेक्ट दिखाया है, शेडो इफेक्ट के लिए आप सीधा पानी यूज़ कर सकते हो नीचे, ओके, और जो भी डार्क कलर आपको रखना है आप कर सकते हो, ब्राउन कलर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने तो यहाँ पे ग्रीन कलर को ही हल्का सा ब्लैक एंड ब्राउन के साथ ब्लेंडिंग करके एक कलर रेडी किया है, सो वो कलर मैंने एज अ बेस के लिए यूज़ किया है, ठीक है। सो नाउ वक्त आ गया है कि मैं कॉपीराइट कर दूँ अपना यहाँ पे सोमनाथ पलीचा करके, ठीक है, साधना आर्ट एजुकेशन। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माई चैनल, टेक केयर, बाय बाय।